हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस टू ऑल ऑफ यू। मेरे बच्चों, माँ सरस्वती का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले और अपनी लाइफ में बोलते हैं ना कि बड़े बड़े गोल्स अचीव करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और अपने बोलते हैं ना कि देश का नाम रोशन करें। हम सबकी यही आप लोगों से उम्मीद होगी, है ना? तो मेरे बच्चे, आई होप सो कि आप खूब मेहनत करेंगे अपनी जिंदगी में और खूब बड़े बड़े गोल्स अचीव करेंगे। ठीक है, फिलहाल बेटा जो हमारा आज का लेक्चर है वो है आज का हमारा लेक्चर नंबर 72, जहाँ पर ऑलरेडी हम बेटा फुल फ्लैच क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे बेटा आज अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पर बेसिकली हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन, बेटा आपको स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि अचल विचल बेटा आपके पास दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में, जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है बेटा 3:5, यानी ये जो भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होता था इसको ये 3:5 में शेयर करते थे। कहा कि ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। और जो अचल विचल की पार्टनरशिप फर्म थी बेटा, उनकी 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट भी प्रोवाइडेड है। लाइबिलिटी साइड में बेटा अचल विचल की कैपिटल दे रखी है कि इन्होंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा था। अचल ने लगा रखा था 3 लाख बेटा और विचल ने लगा रखा था 5 लाख। टोटल कैपिटल भार इन्होंने हमें प्रोवाइडेड करके दी है 8 लाख। क्रेडिटर्स का बेटा इन्होंने बैलेंस हमें दिया है 1,79,000 का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जो प्रोवाइडेड है वो है हमें 21,000 का। एसेट साइड में बेटा इन्होंने हमें लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज के दी हैं, मशीनरीज दी हैं 3 लाख रुपीज की, डेटर का बैलेंस दिया है 2,22,000 एंड कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है, यानी बैंक बैलेंस दिया है 78,000। बोथ साइड बेटा बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख 10 लाख रुपीज। और क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में कहा कि हमारी जो फर्म डिसॉल्व हो रही है वो 1 अप्रैल 2016 को हो रही है, यानी जो बैलेंस शीट हमें प्रोवाइडेड है वो 31 मार्च 2016 की है, बट उसके जस्ट अगले दिन हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है। और क्योंकि हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, क्लोज डाउन हो रही है, तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, यानी एज फॉलो। पहले पॉइंट में बता दिया बेटा ए पॉइंट में कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो रही है 4,30,000 की, यानी हमने मार्केट में अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी है 4,30,000 रुपए की। डेटर रियलाइज हो रहे हैं बेटा 2,25,000 रुपए के विद इंटरेस्ट। देखो बेटा, डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब होता है बेटा जब एक पार्टनरशिप फर्म क्रेडिट पे गुड्स होल्ड करती है, यानी उधार पे सामान बेचती है जब अपने कस्टमर्स को, तो ऐसे में उन कस्टमर्स को बेटा डेटर का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे तो दिए नहीं अभी, तो वो पैसा फ्यूचर में देंगे। तो तब तक हम उन कस्टमर्स को डेटर का नाम दे देते हैं। और डेटर जनरली बिजनेस के लिए क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। तो अगर कोई डेटर, मान लो लेट बी सपोज, जिसको टाइम पे पैसा दे देना चाहिए था, मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद टाइम पे दे देना चाहिए था पैसा, जितने भी महीने के लिए उस डेटर ने क्रेडिट टाइम मांगा था उस टाइम तक उसे वो पैसा दे देना चाहिए था। मान लो किसी वजह से अगर कोई डेटर पैसा पे करने में डिले करता है, तो जब भी वो आगे जाकर पैसा पे करता है तो हमारी पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट भी लेती है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है बेटा कि हमने अपने कुछ डेटर से इंटरेस्ट भी चार्ज किया होगा, क्योंकि उन डेटर्स को पेमेंट हमें पहले ही कर देनी चाहिए थी, बट उन्होंने पेमेंट हमें पहले नहीं करी। इसलिए मेरे बच्चे, जब आज हम सारे डेटर से पैसा रियलाइज कर रहे हैं, तो कुछ डेटर से हम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं करी थी हमें, तो आपने पेमेंट डिले करी है, तो इसलिए हम आपसे डिले का क्या चार्ज कर रहे हैं? इंटरेस्ट। इसलिए बेटा हमें यहाँ पर 2,25,000 डेटर से रियलाइज हो रहे हैं, जिसके अंदर कुछ पैसा इंटरेस्ट का भी है। इन्होंने कहा 1,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बेटा कुछ डेटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने पिछले साल पैसे देने से मना कर दिया था। देर में पेमेंट करने के तो छोड़ो बेटा, इन्होंने तो पैसा ही नहीं दिया। कुछ डेटर्स ऐसे थे पिछले साल, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में, कि उन्हें पेमेंट कर देनी चाहिए थी बट उन्होंने पेमेंट की ही नहीं, वो बैड डेट हो गए, है ना? बैड डेटर्स, गंदे डेटर्स, है ना? अगर हिंदी में प्रोनाउंस करें तो बैड डेट्स हमें शॉर्ट में कहते हैं। तो ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमें लास्ट ईयर बेटा पैसे देने से मना कर दिया, तो वो हमारा नुकसान हो गया होगा। बट आज जब हम करंट ईयर में आ चुके हैं, प्रेजेंट ईयर में जब हम हैं, हम अपने बिजनेस को बेटा शट डाउन कर रहे हैं, तो
कुछ ऐसे बैड डेट जो पिछले प्रीवियस इयर्स में हुए थे, उन्होंने बेटा इस साल पैसा हमें लौटा दिया। उनका जमीर जाग गया होगा, उन्होंने कहा भाई चलो यार कोई नहीं, हमने पिछले साल नहीं दिया, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी भी खराब थी, पर चलो इस साल ये बिजनेस बंद हो रहा है तो चलो हमने जो बैड डेट किया वो पैसा दे देते हैं। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म को ना बेटा बैड डेट से पैसा अब वापस मिल रहा है, यानी रिकवर्ड हो रहा है। तो एक तरीके से बेटा ये भी पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, देखेंगे इसका क्या करना है। वैसे इसका करना कुछ नहीं है, जब हम डेटर्स से पैसा रिकवर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो ये 1000 रुपीज भी हमें रिकवर्ड होंगे बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। ठीक है, सी पॉइंट पे लिखा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000। बेटा एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी। देखो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट। बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसी भी इन्वेस्टमेंट थी जिसे हमने कभी बुक्स में कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। शायद हमारा अकाउंटेंट करना भूल गया होगा, वट एवर द रीजन इज दैट, हमने अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसे रिकॉर्ड नहीं किया। नाउ बेटा आज जब बिजनेस बंद हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट भी है, और आज हम इसे मार्केट में अगर बेच रहे हैं तो कितने रुपए मिल रहे हैं, ₹25,000 मिल रहे हैं, तो हमें इसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। फिर इन्होंने कहा कि विचल जो पार्टनर है, ओनर है बिजनेस का, वो मशीनरी लेकर जा रहा है 2,80,000 की, बट कैश में। देखो अगर कैश वर्ड ने लिखा रहता ना तो मैं मानता कि विचल जो ये मशीनरी लेकर जा रहे हैं ना, तो ये हम विचल को मशीनरी बेच तो रहे हैं बट पार्टनर के थ्रू बेच रहे हैं, पार्टनर हेडिंग के अंदर आता। हम देखते, आपको पता है रियलाइजेशन में हम एसेट दो तरीके से बेच सकते हैं, एक कैश बैंक की हेडिंग के अंदर और एक पार्टनर की हेडिंग के अंदर। तो मैं इसे पार्टनर की हेडिंग के अंदर बेच देता अगर कैश वर्ड नहीं लिखा रहता, बट बेटा यहाँ पर कैश भी लिख दिया है, तो इट मीन्स हमारा जो विचल पार्टनर है वो मशीनरी लेकर तो जा रहा है 2,80,000 रुपए की, पर वो पार्टनरशिप फर्म को कैश दे रहा है ऑन द स्पॉट। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ये मशीन कैश में ही तो बिक रही है, यानी कैश बैंक में ही तो बिक रही है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर हमें है नहीं। तो ये मशीनरी भले ही पार्टनर लेकर जा रहा हो, पर क्योंकि कैश में लेकर जा रहा है तो ये कैश बैंक की हेडिंग के अंदर आएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ई पॉइंट में लिखा है कि 50% ऑफ द क्रेडिटर, 50% बोले तो हाफ क्रेडिटर। देखो 100% होता है मैक्सिमम, 100 का 50% यानी हाफ। तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर अगर 100% है, 1,79,000, तो इसका 50% जो क्रेडिटर है यानी 1,79,000 का हाफ, उन क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं 4,000 लेस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं करके बता दूं 1,79,000 रुपीज के आपके क्या है, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ये क्रेडिटर्स हैं, तो इसका हाफ कर दो 50%, है ना। तो अगर आप हाफ करते हो, ठीक है, अगर आप हाफ करते हो तो 1,79,000 / 2 यानी हाफ करेंगे तो ये आएगा 89,500। तो कह रहे हैं जो 50% ऑफ द क्रेडिटर्स है यानी 89,500, हम इनको 4,000 लेस पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट, यानी हमने अपने क्रेडिटर के साथ बेटा सेटलमेंट किया। हमने कहा क्रेडिटर साहब देखो ऐसा है हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हम आपको ना 4,000 रुपये कम दे तो चलेगा। तो हमने ना थोड़ा बार्गेन बुर्गेन करा बेटा क्रेडिटर के साथ, और क्रेडिटर मान गया, हमने अपने क्रेडिटर को पटा लिया, भाई देख 4,000 रुपये कम में मान लेना, मान लेना हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर रियायत मिल जाएगी तो बहुत भला होगा। तो क्रेडिटर ने कहा चल यार ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, ले 4,000 रुपये कम दे देना मेरे को। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हम क्रेडिटर को कितना पे करेंगे, 85,500, ये कहने का मतलब है। पर जो आधे क्रेडिटर बचे उनका क्या, उनका क्या? तो देखो अगर क्वेश्चन अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे हमारे आधे क्रेडिटर भी कितने के हैं, 89,500 के, तो हम ये मान लेंगे हमने इन्हें फुल अमाउंट पे कर दिया, यानी इनको पूरा पे कर दिया। पर आगे देखते हैं कि लिखा क्या है। आगे लिखा है एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड फुल अमाउंट, और लिखा भी आगे यही है कि हम बाकी बचे जो आधे क्रेडिटर्स हैं, रिमेनिंग क्रेडिटर्स, हम उनको पूरा पे कर रहे हैं। तो मुझे बताओ पहले आधे क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, 85,500, फिर जो आधे बचे हुए क्रेडिटर हैं उनको कितना पे कर रहे हैं फुल, तो टोटल कितना पे कर रहे हैं, तो एक को पे कर रहे हैं 85,500 आधे क्रेडिटर्स को, और बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पूरा कर रहे हैं, पूरा पे कर रहे हैं 89,500। तो इनका टोटल कर दो तो यह आएगा 1,75,000, यानी हम अपने टोटल क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं, 1,75,000। बोलो क्लियर हो गई आपको बात, ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब था। तो देखो जब ये ऐसे तोड़ तोड़ के बात करता है ना,
कि आधे क्रेडिटर को हम इतना पे कर रहे हैं, बाकी आधे क्रेडिटर को ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे ना चार्ट टाइप बना लिया करो, चाहे ये क्रेडिटर के ऊपर बोले, चाहे किसी एसेट, स्टॉक, मशीनरी, किसी के भी ऊपर बोले, तो आप ना ऐसे चार्ट वगैरह बना दिया करो रफ में जाकर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो बात समझ में आई। क्वेश्चन की डिमांड है जनरल एंट्री पास करके दिखा दो और नेसेसरी अकाउंट बना दो। अब देखो क्या लिखा है इसने, नेसेसरी अकाउंट ना, तो इट मीन्स यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन डिपेंड करता है क्या लाइबिलिटी साइड, किसी पार्टनर ने लोन दिया था, तो देखो यहाँ पर किसी पार्टनर ने लोन नहीं दिया था तो यहाँ पार्टनर्स लोन नहीं बनेगा। बट यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और हमारे पास यहाँ कैसेट बैंक है, यानी कैश हमारा पड़ा है बैंक में, यानी बैंक बैलेंस है, तो हम यहाँ बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ यहाँ जनरल एंट्री भी पास करेंगे। तो चलो हम अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जामिनर को बताएंगे बेटा कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल की एंड बैंक अकाउंट की। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हम सबसे पहले अकाउंट कौन सा बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है बेटा रियलाइजेशन की, और क्रेडिट साइड इनकम की। ठीक है, पर इसमें हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इसमें हमारा सबसे पहले स्टेप ये होता है कि जो भी हमारे एसेट मार्केट में बिक सकते हैं हम उन एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन में, डेबिट साइड में। और जो भी लाइबिलिटीज है हमारी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो लाइबिलिटी है, अच्छा लाइबिलिटी साइड बताइए कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज है जो थर्ड पार्टी से रिलेट करती है, जो हमने बाहर वालों को पे करना है। देखो कैपिटल तो हमारे ओनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, तो हम अपने मालिक को पे करेंगे, और इसके लिए तो स्पेशल अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा। क्या क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर थर्ड पार्टी होती है, बाहर वाले होते हैं सप्लायर्स, तो इसलिए मेरे बच्चे ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्या ईपीएफ भी बेटा बोलते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट पर ट्रांसफर होगा, द आंसर इज यस, क्योंकि ये भी आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज का पैसा है, प्रोविडेंट फंड, आज बिजनेस बंद हो रहा है तो ये एम्प्लॉयज को हमें पे करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे बच्चे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। तो ये दोनों पॉइंट जो आपके हैं क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे आपके रियलाइजेशन में, क्योंकि ये लाइबिलिटीज हैं, तो जब ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होंगे। एसेट साइड से लैंड एंड बिल्डिंग आपका मार्केट में बिक सकता है, मशीनरी मार्केट में बिक सकता है, डेटर्स भी आपके मार्केट में बिक सकते हैं, या डेटर से आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हो, तो ये भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे ऑन द डेबिट साइड। बैंक बैलेंस बेटा आप मार्केट में नहीं बेच सकते, बैंक अकाउंट मार्केट में नहीं बिकते, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखो इस तरीके से ना हम बैलेंस शीट से पता कर लेते हैं कौन से एसेट रियलाइजेशन में जाने हैं, कौन सी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में जानी है। चलो तो सबसे पहले हम अपने एसेट्स को भेजते हैं रियलाइजेशन में, तो डेबिट साइड में आएंगे बेटा। सबसे पहले हमारा कौन सा एसेट था, लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद का अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपीस। फिर हमारे पास नेक्स्ट एसेट है मशीनरी एंड डेटर्स, टू मशीनरी अकाउंट एंड टू डेटर अकाउंट। और मुझे बताइए मशीनरी हमारी कितने रुपए की है, 3 लाख, एंड डायरेक्टर्स हमारे पास कितने के हैं, 2 लाख 20,000, 22,000। तो 3 लाख मशीनरी का बैलेंस है, 2 लाख 22,000। कॉपी पेस्ट करना है बस बेटा, कॉपी पेस्ट। और देखो बैंक बैलेंस तो नहीं जाएगा तो इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लाइबिलिटी साइड से क्या जाएगा बेटा, क्रेडिटर और ईपीएफ। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आएंगी लाइबिलिटीज जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, तो बेटा बाय क्रेडिटर अकाउंट एंड बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर है बेटा 1,79,000 के, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके पास कितने का है, 21,000 का। कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हमने अपने सारे एसेट्स जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो सकते थे कर दिए, हाँ। जो लाइबिलिटीज हमारी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो सकती थी क्या वो हमने कर दी, हाँ। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा हम अपने एसेट्स को बेचें और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करें। ठीक है, तो अगर हम अपने एसेट्स को बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे बेटा, ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट को बेच के ना, एसेट को बेच के हमें फायदा होगा, और सारे सारे के सारे फायदे हमारे कहाँ आते हैं, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में। तो बाय बैंक अकाउंट हम हेडिंग लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो बाय बैंक अकाउंट हम हेडिंग लिखेंगे, और इसके अंदर बेटा लाइन से ना हम अपने एसेट्स बेचना चालू करेंगे। चलो पहले हमारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बोला है, हाँ बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिक रही है, 4,30,000 में, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग।
और हमारी लंदन बिल्डिंग कितने में सोल्ड आउट होगी बेटा, 4,30,000 में, ठीक है, 4,30,000। इसके बाद हमारा कौन सा एसेट है, मशीनरी। क्या मशीनरी के बारे में भी कहीं बोला है? बी में डेटर की बात है, सी में इन्वेस्टमेंट की बात है, डी में देखो मशीनरी हमारी कौन लेकर जा रहा है, विचल, किस में लेकर जा रहा है, कैश में। तो ये कैश यानी बैंक के थ्रू ही बिक रहा है, कितना बेटा, 2,80,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मशीनरी, की हमारी मशीनरी भी बैंक के थ्रू ही बिक गई। और ये कितने की बिक गई बेटा हमारी, 2,80,000 की। तो हमने यहाँ 2,80,000 लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल है ना। हाँ, इसके बाद बेटा हमारे पास कौन सा एसेट है, हमारे पास है डेटर। तो डेटर के बारे में क्या बोला है कि डेटर 2,25,000 के रियलाइज हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमें जो प्रीवियस ईयर में बैंडेड हुए थे वो भी रिकवर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना हम डेटर रियलाइज करेंगे, अपने डेटर को बेचेंगे 2,25,000 के, पर इसी के साथ ना बेटा हमें बैंडेड भी रिकवर्ड हो गया। तो अगर हमें बैंडेड रिकवर्ड हो गया तो कहीं ना कहीं हमें फायदा ही हो गया, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, रिकवर्ड हो गया। कितना रिकवर्ड हो गया, 1,000। तो ये हमारे बेटा देखो सारे एसेट्स बिक गए। पर आपको यहाँ पर देखना है बेटा कि कभी कभी ना कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी होता है जो बिक सकता है, ठीक है, चाहे वो बैंक हेडिंग के अंदर बिके अगर वो रियलाइज हो रहा है, और अगर उसे पार्टनर लेकर जा रहे हैं तो पार्टनर की हेडिंग के थ्रू भी वो बिक सकता है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो। क्या क्वेश्चन में हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट था? हाँ, क्वेश्चन में कहा था कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था, बट नाउ अब हम उसे बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बेचेंगे तो फायदा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो अनरिकॉर्डेड बेटा अगर इन्वेस्टमेंट हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितने की बेच रहे हैं, 25,000 रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा डाटा दिया है बेटा, मैं तो बस कॉपी एंड पेस्ट करता हुआ चला जा रहा हूँ। तो बताइए क्या मैंने सारे एसेट बेच दिए? हाँ, और कोई एसेट? देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेच दी, डेटर का काम हमने कर दिया, बैड डेट रिकवर्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट को भी हमने बेच दिया, मशीनरी को भी हमने बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात क्रेडिटर की है, पर क्या एसेट की सारी बातें खत्म होगी? हाँ, देखो लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, मशीनरी बिक गई, डेटर भी बिक गए, इवन दो बैड डेट रिकवर्ड भी हो गए, जो कुछ डेटर हमारे प्रीवियस ईयर में बैड डेट हुए थे उनसे भी पैसा मिल गया, और एक एक्स्ट्रा एसेट जिसको हमने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, वो भी बिक गया। तो हमारे सारे एसेट्स का काम हो चुका है बेटा। तो यहाँ पर बेटा हम इसको टोटल करेंगे, 4,30,000, 2,80,000 एंड 2,25,000, 1,000 एंड 25,000। अगर हम टोटल करते हैं बेटा तो ये आएगा 9,61,000, ठीक है। और बेटा क्योंकि सारे एसेट्स मेरे बैंक हेडिंग के अंदर बिक गए, तो कोई एसेट मेरा पार्टनर पर्सनली लेकर नहीं गया है, एक लेकर गया था विचल, पर क्योंकि उसने कैश दे दिया तो टिपिकली वो एसेट पार्टनर के थ्रू ना बिककर किसके थ्रू बिका है, बैंक के थ्रू ही बिका है। तो यहाँ पर बेटा हमने बैंक हेडिंग के अंदर ही लिख दिया जो विचल हमारी क्या लेकर जा रहा था, मशीनरी लेकर जा रहा था, ठीक है। तो टिपिकली हमने पार्टनर के थ्रू थोड़ी कोई एसेट बेचा, ऐसा थोड़ी हुआ क्वेश्चन में कि पार्टनर एसेट तो लेकर गया पर पैसे ही नहीं दिए। तो अगर ऐसा होता कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता और पैसे ना देता, तो हम ये मानते कि हमने वो एसेट पार्टनर को बेचा है, फिर पार्टनर की हेडिंग के अंदर आता, फिर हम यहाँ लिखते बाय उस पार्टनर का नाम, जो भी पार्टनर होता, फिर कैपिटल अकाउंट आगे लिख देते, ब्रैकेट में लिख देते कि वो कौन सा एसेट लेकर गया। पर ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, सारे एसेट हमारे बैंक हेडिंग के थ्रू ही बिके, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं बेटा लाइबिलिटीज। अब हम लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, तो लाइबिलिटी पे ऑफ करने से बेटा हमें होता है नुकसान, तो नुकसान होता तो एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड में आएगा। हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ओके, ये हमने हेडिंग दे दी टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर बेटा हम अपने एसेट्स को बेचना चालू करेंगे, सॉरी अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना चालू करेंगे। आप मुझे बताइए क्या किसी लाइबिलिटीज के बारे में कोई इन्फो दी थी हमें? हाँ, ई पॉइंट में हमें क्रेडिटर की इन्फो दी थी, जिसके बारे में मैंने बता दिया था, हम आधे क्रेडिटर्स को तो 4,000 रुपये कम में पे कर रहे हैं, है ना, लिखा था 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट। तो हमने आधे क्रेडिटर को 85,500 पे किया, पर बाकी जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं रिमेनिंग, वो हम फुल अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी 89,500 ही पे कर रहे हैं। तो आधे क्रेडिटर को 85,500 पे कर रहे हैं, आधे क्रेडिटर को 89,500 पे कर रहे हैं, तो टोटल कितना पे कर रहे हैं, 1,75,000। तो यहाँ से हमें पता चल गया, तो मेरे बच्चे जब मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगा तो मैं क्रेडिटर्स को कितना पे करूंगा, 1,75,000, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर्स को तो पे कर दिया,
क्या ईपीएफ की कोई जानकारी दी है बेटा क्वेश्चन में? तो देखो ना, ईपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा कि हम ईपीएफ को कितना पे कर रहे हैं। तो मैंने बेटा बार बार आपको ये बात बताई है कि अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने वो लाइबिलिटी फुल अमाउंट पे करी होगी। तो ईपीएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो हम मानेंगे कि हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पूरा पूरा पे कर रहे हैं, जितनी वो लाइबिलिटी है उतना ही उसे पे किया जा रहा है। तो कितना पे कर रहे हैं बेटा? 21,000। ठीक है, बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ, अब देखो सारे पॉइंट्स हमने कर लिए, कोई पॉइंट तो हमारा छूटा नहीं। वैसे कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो सकती थी, बट क्वेश्चन में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है तो हमने उसको पे नहीं किया। बोलो बात समझ में आई? तो जितनी लाइबिलिटीज थी वो हमने पे कर दी, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मतलब एसेट को बेचने का, लाइब्रेरी को पे ऑफ करने का, यानी जो स्टेप नंबर टू होता है वो कंप्लीट हो गया। हमारा एसेट और लाइब्रेरी ट्रांसफर करने का जो स्टेप होता है वो स्टेप वन होता है बेटा। एसेट्स को बेचने का और लाइब्रेरी को पे ऑफ करने का हमारा स्टेप नंबर टू होता है। उसके बाद बेटा हम स्टेप थर्ड देखते हैं, जहाँ पर हम निकालते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा बेटा कि कौन सी साइड आपकी हायर साइड पर है। तो यहाँ पर आप टोटल कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके बेटा कि कौन सी साइड आपकी ना हायर साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे मैं टोटल कर देता हूँ अपनी तरफ से भी कि देखते हैं किसकी साइड हायर साइड पे। ठीक है, तो डेबिट का टोटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख 20,000, 2 लाख 22,000, एंड लाइबिलिटीज आपने पे करी थी 1,96,000। तो पता है आपका डेबिट का टोटल आ रहा है 1,11,18,000। ठीक है, अब जरा क्रेडिट का टोटल भी करके देखते हैं, 1,17,000 प्लस 21,000 एंड 9,61,000। क्रेडिट का टोटल आ रहा है बेटा 11,61,000। तो बताइए कौन सी साइड हायर साइड पे? सर इनकम साइड हायर साइड पे और एक्सपेंस साइड लोअर साइड पे है। तो बताइए इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंस कम हो गए तो बैलेंस कहाँ बचेगा अब आपका? डेबिट में, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड छोटी है, तो बैलेंस आपका डेबिट में बचेगा, बट वो बैलेंस क्या कहलाया जाएगा? प्रॉफिट। तो आपका ना रियलाइजेशन अकाउंट से क्या है मेरे बच्चे? प्रॉफिट। और आप अपना वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे किन के बीच में? पार्टनर्स के कैपिटल के बीच में। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आई थिंक सो बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो किसके बीच में बांटेंगे बेटा? अचल और विचल। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इनकम में से, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस लेस करना पड़ेगा। तो 11,61,000 में से अगर हम माइनस करते हैं 11,18,000 बेटा, तो ये आता है हमारे पास 43,000। तो हमारे पास ना 43,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और वो प्रॉफिट बेटा हम अचल और विचल के बीच में बांट देंगे। क्या इनका बेटा हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था? हाँ सर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:5। 3:5 बोले तो बेटा जब शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 3/8 एंड 5/8। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 43,000 इंटू 3/8 ये आएगा बेटा 16,125। और अगर आप विचल का निकालते हो तो 43,000 इंटू 5/8 तो ये आएगा मेरा 26,875। देखो बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है इसलिए मैं कैलकुलेशन तुरंत कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, मैंने बोर्ड एग्जाम्स नहीं देना। मैंने जब अपने टाइम पे बेटा बोर्ड एग्जाम्स दिया था तो बोलते हैं ना कि मेरी कैलकुलेशन बहुत, बोलते ना पार थी, मतलब बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी बहुत अच्छी है, पर कहने का मतलब यह है कि अभी मैं कैलसी का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे अलाव है, आपको नहीं है, इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन ना बहुत अच्छी रखनी, याद रखना। आप घर में जाकर 5 मिनट 10 मिनट अपनी स्पेशल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि कई बच्चों को मल्टीप्लाई डिवाइड इस यहीं पर बेटा कुछ बच्चे गलती कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे आप यहाँ पर क्या करें, इन दोनों का बोलते ना कि जैसे मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया अचल विचल का प्रॉफिट का, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, याद रखना। तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो प्लीज बेटा अगर किसी बच्चे को लगता है मेरी कैलकुलेशन वीक है, सबको अपना पता रहता है, तो आप ना 5 मिनट निकालकर 10 मिनट निकालकर अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका टोटल कर देंगे अब हम बाहर बेटा, प्रॉफिट कितना था? 43,000। साइड कौन सी ग्रेटर साइड पे थी बेटा? क्रेडिट। तो जो क्रेडिट का टोटल होगा 11,61,000 वही आपका डेबिट का भी टोटल होगा। बोलो बात समझ में आ गई?
रीजन इज यस, ठीक है, रीजन भी आपको समझ में आता है कि अकाउंट्स का जो साइड बड़ा होता है अपोजिट साइड भी उसी का टोटल आता है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मोटा मोटा कितने आइटम्स आते हैं बेटा? चार, पर मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया था कि कभी कभी करंट अकाउंट भी हो सकता है। अब आप देखो क्वेश्चन में कहीं भी करंट अकाउंट दिया है? अचल विचल का करंट अकाउंट कहीं दिया है? नहीं। हमने एक क्वेश्चन किया था शायद क्वेश्चन नंबर वन, अगर आपको याद हो तो, रमेश और उमेश वाला है ना, ये देखो यहाँ पे रमेश का करंट अकाउंट और उमेश का करंट अकाउंट था, याद है आपको? तो ये क्वेश्चन हमने किया था बेटा अपनी क्लास में और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो मैंने वहां पे करंट अकाउंट का आपको ट्रीटमेंट बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर वन जो मैंने सिखाया है आपको डिसोल्यूशन, जाकर उसे पढ़ कर आओ, उसे देख कर आओ, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर कोई करंट अकाउंट है नहीं, इसलिए हम करंट अकाउंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे कैपिटल में। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर चार आइटम आएंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन। और ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का, ये क्रेडिट से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता है? लायबिलिटी का अकाउंट होता है। पार्टनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर, एक नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग के लिए। इसलिए मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, बिजनेस उस लायबिलिटी का नाम रखती है कैपिटल। तो याद रखना कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है बट एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल होते तो बेटा हम इसको यहीं पे कर देते, आपको पता है, पर एक्सटर्नल थोड़ी होती है कैपिटल नाम की लाइब्रेरी, इंटरनल्स होती है, अपने पार्टनर से रिलेटेड लाइब्रेरी होती है, इसलिए इसका स्पेशल अकाउंट बनता है। और आप मुझे बताइए यहाँ पर अचल और विचल की कैपिटल कितनी है? 3 लाख 5 लाख, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, 3 लाख 5 लाख, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है बेटा रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। आप बताइए आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और रियलाइजेशन अकाउंट से आपको क्या मिला? प्रॉफिट, यहाँ तो चलो डेबिट में आया प्रॉफिट, बट जब आप पार्टनर को देंगे तो अपोजिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, कहाँ से आया प्रॉफिट? रियलाइजेशन से। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और जो जो प्रॉफिट हमने निकाला है 16,125 एंड 26,875, ये हम यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है बेटा। और ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है, क्या कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर गया था? एक विचल लेकर गया तो था, पर विचल ने तो उसका कैश दिया तो वो बैंक के थ्रू ही बिका बेटा। क्या कोई पार्टनर पर्सनली एसेट को लेकर गया और पैसे ना दिया हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में था? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं था कि कोई पार्टनर पर्सनली एसेट को लेकर गया हो और पैसे ना दिए हो। अगर पैसे नहीं दिए देता कोई पार्टनर और एसेट लेकर चले जाता, तब हम मानते कि वो एसेट हमारा बैंक हेडिंग में नहीं, पार्टनर के थ्रू बिक रहा है। तो बिक तो रहा है बट हम उसे पार्टनर हेडिंग के थ्रू बेचते, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस करते, है ना। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही होता है, क्या कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर गया था? अगर लेकर गया था और पैसे नहीं दिए उसने, तो फिर यहाँ पर हम पार्टनर के थ्रू बेचते हैं, बट जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस भी कर देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का एसेट तो लेकर गया बट पैसे नहीं दिए, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ विचल लेकर गया था हमारी बिजनेस की मशीन, पर उसने पैसे हमें तुरंत दे दिए, तो हमारा जो मशीनरी बिका वो पार्टनर के थ्रू तो बिका है बट टेक्निकली वो कैश बैंक में ही बिका है, क्योंकि तुरंत हमें उसका कैश मिला। और क्या कोई लायबिलिटी पार्टनर लेकर गया है? क्या कोई लायबिलिटी ऐसी जो पार्टनर के थ्रू पे ऑफ, पार्टनर के थ्रू पे करी गई हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई पार्टनर लायबिलिटी लेकर जा रहा। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेकर जाता होता तो हम उसे बैंक हेडिंग में ना लिख के पार्टनर के थ्रू पे कराते, पार्टनर्स कैपिटल की हेडिंग के थ्रू पे कराते, और फिर बेटा जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो फिर उसका अकाउंट भी हम इंक्रीज कर देते। पर क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टनर एसेट और लायबिलिटी पर्सनली लेकर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा हमारा जो थर्ड पॉइंट का ट्रीटमेंट होता है कि लायबिलिटी लेकर जा रहा है तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ा दो, अगर पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है तो उसका अकाउंट घटा दो, तो वो जो थर्ड पॉइंट है वो हम यहाँ नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाकर देखो कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस तो नहीं है। तो देखो चार टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं, मैं बार बार हर क्वेश्चन में बताता हूँ बेटा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। तो देखो कोई प्रॉफिट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा,
कोई प्रॉफिट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। और तीन टाइप के यहाँ पर बेटा लॉसेस होते हैं। वैसे बेटा चेंज इन पीएसआर से लेके डेथ ऑफ पार्टनर तक, लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर तक हमारे पास चार टाइप के ऐसे आइटम होते हैं एसेट साइड जिन्हें राइट ऑफ करते हैं हम, लाइक गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेबिट डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। चार आइटम होते हैं जिन्हें हम पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। पर डिसोल्यूशन में सिर्फ तीन ही आइटम होते हैं, तीन ही फिक्टिशियस एसेट होते हैं, लॉस होते हैं जिनको हम राइट ऑफ करते हैं, लाइक पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो हमें यहाँ कुछ उन तीनों में से कोई पॉइंट यहाँ नहीं दिख रहा। और जो गुड परचेज गुडविल होती है बेटा, उसको मैं बता चुका हूँ कि जो भी बैलेंस शीट में परचेज गुडविल होती है उस गुडविल को हम यहाँ पर एक नॉर्मल इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। हम मानते हैं कि डिसोल्यूशन में हम उस परचेज गुडविल को बेच सकते हैं, तो एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और उस परचेज गुडविल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि इंटेंजिबल एसेट बिक रहा है तो हम उसे बेच भी देते हैं। बोलो बात समझ में आई? बट यहाँ पर तीन टाइप के फिक्टिशियस एसेट यानी लॉसेस होते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ कोई जानकारी नहीं दी है। चार टाइप के हमारे पास प्रॉफिट होते हैं बेटा, वो भी हमें यहाँ लाइबिलिटी साइड नहीं दे रखे हैं। तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, जिन्हें हम आज डिस्ट्रीब्यूट करें बेटा, तो हम फोर्थ पॉइंट का भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बस बेटा हमारा पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब बस आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सी साइड आपकी ग्रेटर साइड पे। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रेटर साइड पे जो यहाँ पर साइड है वो एज यूजल आप देख पा रहे होंगे कि क्रेडिट ही साइड हायर साइड पर। बेसिकली वैसे लाइबिलिटी अकाउंट है और लाइबिलिटी अकाउंट का नेचर क्रेडिट ही होता है, तो क्रेडिट ही साइड बड़ी होती है। तो अगर आप यहाँ पर बेटा टोटल करें तो ये टोटल आएगा 3,16,125 और ये आएगा 5,26,875, क्योंकि माइनस कराने के लिए नेगेटिव चीजें अपने पार्टनर से अपडेट को कुछ नहीं दी। तो बेटा डेबिट का टोटल भी यही आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है हायर साइड पे, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। और आप अपने पार्टनर्स को टू बैंक अकाउंट कर कर, क्योंकि जो भी इनका बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, अब देखो अगर मान लो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का केस होता तो ये बैलेंस कैरी डाउन चल रहा होता पार्टनर्स का, पर यहाँ पर मेरे बच्चे बिजनेस ही बंद हो रहे हैं तो कैरी डाउन तो रहेगा नहीं। तो जो भी बैलेंस बनेगा ना वो हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे और ये हो जाएगा पेमेंट टू पार्टनर। बात खत्म, ठीक है, पेमेंट टू पार्टनर। और याद रखना ये आपके बैलेंसिंग फिगर, ये आपने प्लस माइनस करके निकाला, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है अचल विचल का, 3,16,125 और 5,26,875, यही बेटा पेमेंट आप यहाँ कर देंगे क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है तो उनका पैसा रखकर अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें उनको उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? ये पैसा हमने पे कर दिया, बात खत्म। और अगर हमने उनके कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस उन्हें पे कर दिया तो बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो गई, रिड्यूस, इसलिए डेबिट साइड पे पेमेंट करी गई है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद बेटा हम अपना बनाएंगे लास्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बिजनेस का एसेट होता है, सबसे पहले बेटा डेबिट साइड से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो अगर बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दिया है तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर ओपनिंग बैलेंस यहाँ प्लेस करते हैं। क्या हमें एसेट साइड बैंक बैलेंस दिया है बेटा? हाँ, 78,000। तो हम यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे बस। और अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस ये देखना है पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। आ रहा है, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। सबसे पहले देखो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और आपने अपने एसेट्स को बेचा था, है ना? बताइए आपने अपने एसेट्स कितने रुपए के बेचे हैं? टोटल 9,61,000 के। तो यहाँ तो देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में इनकम हो रहा था जब आप अपने एसेट को बेच रहे हो, पर बैंक अकाउंट में आप इसको डेबिट करोगे क्योंकि यहाँ तो पैसा आ रहा है बेटा। तो लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे ये क्या हुआ, ये हुआ एसेट्स रियलाइज्ड। अच्छा बताइए एसेट्स रियलाइज्ड कितने के हुए? 9,61,000 के। तो कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद बेटा आपने रियलाइजेशन अकाउंट में मेरे बच्चे अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ भी करा था, कितने से पे ऑफ करा था, 1,96,000 से। तो देखो यहाँ तो पे ऑफ किया तो इसलिए ये एक्सपेंस हुआ, तो आपने यहाँ पर डेबिट किया, ठीक है। बट जब आप बैंक अकाउंट में जाओगे तो आप बैंक अकाउंट में ये तो दिखाओगे ना कि इतना पैसा गया भी है, यह एक्सपेंस हुआ इसलिए टू बैंक आपने लिखा है,
रियलाइजेशन में डेबिट किया है क्योंकि एक्सपेंस है, आप अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो। पर जब आप अपने बैंक अकाउंट में जाओगे तो वहाँ ये भी तो दिखाओगे ना कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर रहे हो, तो इतना बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस भी हुआ है। तो किस अकाउंट से पेमेंट करी है बेटा आपने, किस अकाउंट से पेमेंट करी है आपने, रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट करी है, तो वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब ब्रैकेट में आप लिख देंगे लाइबिलिटीज पेड, ठीक है, आपने लाइबिलिटीज पेड कर दी कितनी 1,96,000। और आपने किसको पे किया, तो देखो रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट में आपने एसेट को बेचा, उसका आपने बैंक में ट्रीटमेंट कर दिया, लाइबिलिटीज को पे करा था उसका भी बैंक में ट्रीटमेंट कर दिया, इससे पैसा आया तो बैंक अकाउंट में डेबिट करा, इससे पैसे गया तो आपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में भी बेटा आपने पार्टनर्स के कैपिटल को पे किया है, यहाँ डेबिट कर रहे हो क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को आप पे कर रहे हो, तो लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट। पर जब आप अपना बैंक अकाउंट बनाओगे तो वहाँ दिखाओगे भी कि हमारा पार्टनरशिप फर्म का तो पैसा जा रहा है ना क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ डेबिट है, बट जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय अचल कैपिटल अकाउंट और बाय विचल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कितना कितना पेमेंट करा है आपने, अचल को करा है 3,16,125 और विचल को कितना किया है 5,26,875 5,26,875। बस अगर कोई लोन होता बेटा तो लाइबिलिटीज जो हमने पे करी है रियलाइजेशन की, उसके बाद में किसी पार्टनर का लोन होता उसे पे करता और फिर अपने पार्टनर्स की कैपिटल को पे करता, बट यहाँ कोई पार्टनर का लोन था नहीं तो हमने पार्टनर्स लोन की कोई रिपेमेंट नहीं करी। बस बेटा हमने देखो ओपनिंग बैलेंस लिखा बैंक में, जो एसेट्स बेचकर पैसा आया उसे लिखा बैंक में डेबिट साइड, फिर जो हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे करी रियलाइजेशन में उसे क्रेडिट साइड में लिखा बैंक के क्योंकि पैसा जा रहा है, और फाइनली जो पार्टनर्स के कैपिटल को पे आउट करा तो उससे भी पैसा जा रहा है तो हमने ये क्रेडिट साइड में लिखा। और अब हम बेटा सारा सब कुछ पेमेंट हम कर चुके हैं तो अब बेटा बस मैं सिंपल टैली करूंगा और मेरा ये बैंक अकाउंट बोथ साइड टैली होना चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा जाएगा। तो 78,000 एंड 9,61,000, तो ये आया बेटा मेरा 10,39,000। क्रेडिट साइड का भी यही आना चाहिए 1,96,000, 3,16,125 एंड 5,26,825। तो सेम बेटा यहाँ का भी टोटल यही आ रहा है 10,39,000। इट मीन्स कि हमारा ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा पर क्वेश्चन ने कहा था जनरल एंट्री भी पास करनी है, तो देखो जनरल एंट्री मैंने आपको करा रखी है, सिखा रखी थी, पर आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने अपने एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया, सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा कि हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें। देखो बेटा अगर आप अपने एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन में, तो आप उसको मानते हो अपना एक्सपेंस, तो जो आपके पहले एसेट्स थे, ठीक है ना, आपको रूल्स सबको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं डेबिट, सारी इनकम्स लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो देखो जब आपने अपने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया तो आप अपने एसेट्स का स्टेटस खो रहे हो क्योंकि आप अपने एसेट्स को कहाँ भेज रहे हो रियलाइजेशन में, तो एसेट्स के बैलेंस ना डेबिट होते हैं। और जब आप अपने एसेट्स को खत्म कर रहे हो और उन्हें कहाँ भेज रहे हो रियलाइजेशन में, तो जो एसेट्स के बैलेंस डेबिट है ना, अब वो डेबिट से क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखो जब मैंने अपने एसेट्स को रियलाइजेशन में भेजा तो जितने भी मेरे एसेट्स है लाइक लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर जो भी मैंने ट्रांसफर करे उन सबको मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये सब एसेट मेरे रिड्यूस हो रहे हैं। और क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस बनकर जा रहे हैं तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। देखो एसेट डेबिट नहीं हो रहा क्योंकि एसेट बढ़ नहीं रहा, एसेट घट रहा है। अगर देखो एसेट घटे एक्सपेंस घटे ना तो क्रेडिट होता है, इनकम लाइबिलिटी घटे तो क्रेडिट के बजाय डेबिट होता है, उल्टा बैलेंस हो जाता है। तो अगर आपके एसेट घट रहे हैं ना तो वो क्रेडिट होगा और आपके एक्सपेंस हो रहे हैं तो वो डेबिट होगा। तो एसेट घट रहे हैं ना आपके क्योंकि आप एसेट रियलाइजेशन में भेज रहे हो, तो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर है आप उनको रिड्यूस कर रहे हो अपने एसेट के स्टेटस से हटा रहे हो, तो उन्हें डेबिट से आपने क्रेडिट किया। पर ये सारा नुकसान आपने कहाँ भेजा रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही एक्सपेंस साइड है एंड ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड। तो आपने सारे के सारे लैंड एंड बिल्डिंग्स 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000, 22,000 यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया
और अपना रियलाइजेशन में एक्सपेंस दिखाया 9,22,000 का। क्वेश्चन में सॉरी नरेशन में आपने लिखा बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप था कि आपकी बैलेंस शीट में जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज थी वो भी आपने कहाँ भेज दी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब आप अपनी लाइबिलिटीज को बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में भेज रहे हो तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ नहीं रही है, आपकी लाइबिलिटीज ना रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में भेज रहे हो। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं जो रियलाइजेशन में जा रही है, लाइक क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो आप इनको क्रेडिट से क्या कर रहे हैं, डेबिट, क्योंकि आप अपने लाइबिलिटीज का स्टेटस खो रहे हैं। तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, बट जब लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है तो डेबिट। पर ऑब्वियसली बात है, आपने इनसे पैसा लिया था, आप कह रहे हो ये लाइबिलिटीज नहीं है, ये एक तरीके से इनकम है, क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट खत्म हो जाता है बेटा। एसेट एसेट नहीं होता, एसेट एक्सपेंस बन जाता है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी नहीं इनकम बन जाती है। आप ये मानते हो कि इन लाइबिलिटीज हमारे पास पैसा आया होगा तो कहीं ना कहीं ये इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करा और कहा कि ये हमारी लाइबिलिटीज नहीं, एक तरीके से ये इनकम है, क्योंकि पैसे हमने इनसे रिसीव किए थे पहले। तो कहीं ना कहीं आपने रियलाइजेशन अकाउंट को अपनी इनकम दिखाया, एंड ऑल इनकम्स आर, ठीक है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। इनकम का जनरल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे फिर आपने अपने एसेट्स को बेचा, ठीक है, बेचा, बेच के कितने पैसे कमाई, 9,61,000। अब बेच रहे हो तो पैसा तो आ रहा है ना, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक आपके लिए एसेट होता है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड 9,61,000। पर क्योंकि आपको फायदा हुआ तो ये फायदा, एसेट को बेच के तो फायदा ही होगा ना, तो ये फायदा आप कहाँ दिखा रहे हो मेरे बच्चे, ये फायदा आप दिखा रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 9,61,000, 9,61,000। इसके बाद बेटा आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ भी करा, और अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है ना, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो कहाँ दिखा रहे हो आप ये एक्सपेंस, रियलाइजेशन में। तो नेक्स्ट एंट्री है लाइबिलिटी को पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट कर रहे हो आप अपनी लाइबिलिटीज के टू बैंक करके, तो पैसा आ नहीं रहा इस दफा पैसा जा रहा है, तो एसेट बैंक बैलेंस आपका बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। और मैंने बताया बेटा जब एसेट रिड्यूस होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो हमने टू बैंक अकाउंट कर कर अपनी लाइबिलिटीज को पे किया। आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे कितना किया बेटा, टोटल 1,96,000, तो आपका खर्चा भी कितना हुआ है, 1,96,000। इसके बाद बेटा आपको रियलाइजेशन अकाउंट से क्या हुआ, प्रॉफिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड हायर साइड पे था, डेबिट साइड लोअर साइड पे था, यानी रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था। आपने वही क्रेडिट बैलेंस, वही इनकम किसको दे दिया, पार्टनर को, तो रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस हो गया, क्योंकि रियलाइजेशन का आप प्रॉफिट जो भी था, क्रेडिट बैलेंस जो भी बच रहा था वो आपने पार्टनर के बीच में बांटा, तो रियलाइजेशन का अकाउंट अब डेबिट हुआ। तभी तो हमने डेबिट साइड में क्या लिखा, प्रॉफिट, क्योंकि हम ये क्रेडिट बैलेंस जो एक्स्ट्रा बच जाता है, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है वो हम अपने पार्टनर के बीच में बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन का जो इनकम है वो खत्म हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड में आया वो। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेटा इनकम था, इनकम बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, पर आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट अगर अपने पार्टनर को बांट रहे हो तो रियलाइजेशन की इनकम बढ़ेगी नहीं, अब कम हो जाएगी, क्योंकि रियलाइजेशन की इनकम आपने किसके बीच में बांट दी, पार्टनर के बीच में। तो इनकम क्या हो गया बेटा, रिड्यूस, तो डेबिट हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 43,000, क्योंकि इनकम आपका प्रॉफिट 43,000 आ रहा था, बट ये प्रॉफिट आपने किसके बीच में बांटा बेटा, अचल और विचल, तो अचल और विचल की कैपिटल बढ़ गई। ये देखो अचल और विचल की कैपिटल को आपने प्रॉफिट दिया 16,125, 26,875, तो इनकी कैपिटल बढ़ गई, तो आपने इनकी कैपिटल बढ़ा दी, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जितना कैपिटल अब मैं आप चीजें पॉजिटिव फेवरेबल ट्रांसफर करोगे पार्टनर के बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी उतनी बढ़ेगी, और जितनी लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अचल टू विचल कैपिटल, और अगर लॉस होता तो सोचो लॉस में एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाती, अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा तो बताओ क्या हमने रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री मार दी, देखो कितनी सिंपल एंट्रीज थी। देखो हमने सबसे पहले एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री पास करी, फिर एसेट को बेचने और लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की एंट्री पास करी, फिर जो रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट आया उसकी हमने एंट्री पास करी। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होती, रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट निकला था उसकी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो एंट्री आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आप अपने पार्टनर्स कैपिटल को जो पे कर रहे हो बेटा उसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। सोचो आप अचल और विचल की कैपिटल को पे कर रहे हो तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्या होगी, कम, तो अचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विचल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू तो पैसा आ नहीं रहा, पैसा जा रहा है, एसेट बढ़ नहीं रहा, एसेट घट रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट करके। बताइए अचल को कितनी पेमेंट करी, 3,16,125, और पार्टनर्स विचल को कितनी करी, 5,26,875,
तो यहाँ पर आपने बैलेंसेस लिखे और टोटल बैंक से पेमेंट कर दी 8,43,000। इन दोनों का टोटल करा हूँ और ये आ गया 8,43,000। नेहरे सर आपने कर दी बिंग पेमेंट मेड टू पार्टनर। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत आसानी तरीके से एंट्री समझ में आ गई होंगी। सर बैंक अकाउंट का आपने एंट्री क्यों नहीं कराया? अरे बेटा देखो, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, एसेट बेचने की एंट्री आप ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में कर चुके हो, लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री भी आप रियलाइजेशन अकाउंट जब हम कर रहे थे तब हम कर चुके थे, अचल और विचल की कैपिटल को पे करने की एंट्री भी आपने तभी कर ली थी जब आप पार्टनर्स कैपिटल में अचल और विचल के कैपिटल को पे कर रहे थे, तो एंट्री आपने पहले ही कर दी थी, तो यहाँ आप करने की जरूरत नहीं है। जो एंट्री आप एक बार लगा चुके हो वो एंट्री आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? तो दिस इज योर ऑल अबाउट क्वेश्चन। आप चाहें तो क्वेश्चन को बेटा नोट कर सकते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लेना और इसके बाद बेटा आप आंसर नोट कर सकते हैं। दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। फिर इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। फिर ये आपका बैंक अकाउंट है बेटा, इसको भी कॉपी कर लो। और ये है आपका जनरल एंट्री, सॉरी फ्रेम में ये तो नहीं, चलो जितनी दिख रही है उतनी कॉपी कर लो, ठीक है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक तो दिख ही रहा होगा, है ना, तो इसको कॉपी कर लेना। और ये रही आपकी सिक्स्थ एंट्री, इसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो तो कॉपी का मतलब है कि पॉज कर देना वीडियो, तो वीडियो रुक जाती है तो आप फिर नोट डाउन कर लेना उसे, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा आज का जो क्वेश्चन है अचल विचल वाला वो भी हुआ। और हमें ना यहाँ से ये पता चला बेटा कि क्वेश्चन चाहे कैसे भी हो, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हो तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो बेटा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे के कोई डाउट है बेटा तो वो इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट पूछ सकता है। स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पे, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बेटा, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर कर अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और आई होप सो बेटा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच में। और मेरे बच्चे आपको बोलते हैं ना कि जितना बोलते हैं ना कि मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े, जितने डाउट्स आपको क्लियर करने पड़े आप पूछें मुझसे, जितना पूछ सकते हैं। नंबर मेरा आपके पास है, मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप चाहें तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आप ही के लिए हूँ यहाँ पर, और बोलते हैं ना कि आप ही के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जो आपने मुझसे पूछना है, जैसा भी डाउट बोलते हैं ना कंसेंट चैप्टर से रिलेटेड पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हो सके तो मेरे बच्चे आप घर में बहुत मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि बोलते हैं ना कि दुनिया देखती रह जाए, ठीक है, खूब मेहनत करें, ठीक है। तो मेरे बच्चे मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सेवन आर।